लक्ष्यों न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर में और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी हवा महल विधानसभा से यहां पर प्रत्याशी हैं भारत वाहिनी से विमल अग्रवाल जी। तो किस तरह वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप यहाँ की जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर आप जनता से किन बातों को लेकर जा रहे हैं, क्या आपके चुनाव में जाके जनता से बात करेंगे तो उनकी किस तरह की समस्याओं को दूर करेंगे आप? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए मैं पूरी से तैयार हूँ। हमारी पिछले 4 महीने से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हम लोग चुनाव से पहले 20,000 घरों में लगभग जनसंपर्क कर चुके थे, जिनके हमने मोबाइल नंबर कलेक्ट किए हैं, हमारे पत्रक वहाँ पर हमने पहुँचाए हैं। उस दौरान ही हमें कई समस्याओं के बारे में हमें जनता से पता चला था कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जिस प्रकार के खड्डे खुदे हुए हैं, जो पानी की लाइन के लिए, सीवर की लाइन के लिए जो लाइनें खोदी जाती हैं, उन लाइनों के लिए यहाँ पर खोदने के बाद में उसको भरा नहीं गया, ऐसी बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें नहीं बनी, वो समस्या है। सफाई की समस्या है, बहुत आवारा पशु की समस्या है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे ध्यान में आई। जब मैं खुद जनसंपर्क वहाँ कर रहा हूँ तो ये बातें सब मेरे ध्यान में भी डायरेक्टली आ रही है और मैं जनता से निश्चित रूप से इस बात का आश्वासन दे के आ रहा हूँ कि यदि मैं चुनाव जीता तो इन सब समस्याओं को ईमानदारी से दूर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करूँगा। ये हवा महल जो जगह है, इस जगह पे काफ़ी पर्यटक भी आते हैं, आप जनता के बीच गए, आपने जनता की बातों को सुना, तो आपका जो घोषणा पत्र है उसमें सभी जनता से सुनी हुई समस्या है, आपकी तरफ से भी कुछ इसमें होगा घोषणा पत्र? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा पर्यटक हब है। चाहे हवा महल आप देख लीजिए, चाहे ये अपने सिटी है, जो सिटी पैलेस है, अपने जलमहल है, सारा का पूरा क्षेत्र हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ से जिस प्रकार का एक सुंदर आकर्षण वातावरण होना चाहिए, वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आता। मेरा पूरा प्रयास ही रहेगा जब मैं विधानसभा में जाऊँ तो विशेष तौर पर सरकार से इस क्षेत्र को पैकेज के रूप में यहाँ पर एक जो राशि है वो आवंटित करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ पर्यटक एक हब बने और बाहर से लोग आएँ तो विशेष तौर पर यहाँ पूरे क्षेत्र को देखने के लिए आए। जिस तरह से आप 10 सालों से भाजपा के ही विधायक रहे हैं, तो मन में कोई डर है क्योंकि आपके विपक्ष में कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, और आप जिस तरह से मैदान में अगर उतर गए हैं तो आप तैयार हैं इसके लिए, आपको लग रहा है आप जीत हासिल कर लेंगे? निश्चित तौर पर मैं जीत हासिल करूंगा, क्योंकि जो आज दोनों बड़ी पार्टियों से जो कैंडिडेट हैं उनका कहीं पर भी कोई भी जनता में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। कारण यह है कि जब वो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं तो उन्होंने जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रखा, जनता की समस्या का समाधान नहीं किया। तो आज दोनों दलों से लोग छुटकारा चाहते हैं और नए व्यक्ति को और नए दल को लाना चाहते हैं, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ इस बात का मिल रहा है। लोग जनता के बीच में स्टार प्रचारक लेकर आ रहे हैं जनता के बीच में कन्विंसिंग के लिए, और जिस तरह से सभाएं रखी जा रही, तो आपकी तरफ से कौन से स्टार प्रचारक है? आप होंगे, आपकी जनता होगी, कि आपकी तरफ से कोई आपके स्टार प्रचारक यहाँ पहुँचेंगे? स्टार प्रचारक कभी भी जनता के बीच में अगर काम नहीं करते हैं, वो आकर भाषण देने चले जाते हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो हमारे बीच में 5 साल रहे वही हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, और इसलिए आज जनता ही मुझे ही सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मानती है, क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से जनता के बीच में यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जनता में मेरे काम की छवि बनी हुई है। और यहाँ पर मेरे अलावा अगर कोई मेरा स्टार प्रचारक है तो हमारे नेता घनश्याम तिवारी जी हैं, वो हमारे क्षेत्र में आकर और विभिन्न सभाएँ करेंगे और जनता को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि विमल अग्रवाल जी पूरे तैयार हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करेंगे अगर वो यहाँ से चुनकर आते हैं, अगर वो विधायक बनते हैं। और रही बात विपक्ष पार्टी, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस है, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं, उन्हें बस इस बात पर कॉन्फिडेंस है, उन्हें इस बात पर भरोसा है कि जनता को जो काम चाहिए, जनता को जो विकास चाहिए, और खास करके जो ये पर्यटक की एक जगह है, इस बातों को भी ध्यान देते हुए विमल जी तैयार हैं लोग जनता के बीच जाने के लिए, और जनता के बीच वो बने हुए हैं। अब जीत और किसकी हार या तो 7 तारीख ही तय करेगी। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।